गलत है तो नहीं हाय ब्रतांश, गुड मॉर्निंग। ब्रतांश क्या होता है पहले एक्साइटिंग थिंग। ब्रतांश यहाँ रशियन में ब्रोस को कहते हैं। सो हाय ब्रतांश, तो कैसे हो आप लोग? तो ठीक है, ठीक ही हो गए ऑब्वियसली, तो फिट हो गए। और भाई आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है, मतलब काफ़ी दिन से व्लॉग नहीं कर रहा था, मैंने सोचा व्लॉग करना ज़रूरी है। तो भाई आज मेरे पास दो ड्यूटीज़ है। पहला काम यह है कि मुझे जाना है पहले हेल्थ चेकअप के लिए, रशिया में हेल्थ चेकअप कराना है मुझे। दूसरा एनाटॉमी की क्लास है, तो हेल्थ चेकअप के लिए थोड़ा पहले निकलना पड़ेगा। टाइम अभी तो हो रहा है, एक सेकेंड, 7:32 हो रहा है और मुझे 8 बजे तक वहाँ हेल्थ चेकअप के लिए पहुँचना है। फिर 1 बजे मेरी क्लास है, देखते हैं दोनों काम हो पाता है कि, वरना आज क्लास छोड़ना पड़ेगा। पर मैं प्रेफर नहीं करूँगा क्लास छोड़ना, तो अभी जितना तैयार होना था हो गया हुआ यार, नहाया नहीं मैंने और नहाऊँगा भी नहीं क्योंकि लेट हो जाएगा। तो अभी निकल रहा हूँ हेल्थ चेकअप के लिए और मैं आपको दिखाता हूँ। भाई सुना मैंने ये है कि यह हेल्थ चेकअप जो होता है उसमें तो स्टिक लेके, मतलब ऐस होल में बम के छेद पर डाल के चेक करते हैं। भाई ये थोड़ा गंदा नहीं है यहाँ पे? इंडिया में तो ऐसा नहीं होता यार, डरा तो रहे पर देखे होता है ऐसा क्यों नहीं होता? मतलब काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, काफ़ी सारे टेस्ट हैं ऐसे, और एक ये भी होता है। वहाँ कौन चेक करता है यार, वहाँ का क्या करोगे छेद में डाल के? जी बाकी देखते हैं मेरा एक्सपीरियंस क्या होता है, बताऊँगा फिर या फिर सच्ची वैसा होता है या फिर झूठ है सब। 5 minutes later तो भाई साहब मैं निकल गया हूँ बाहर हॉस्पिटल के लिए। हर बार की तरह मौसम बहुत अच्छा है और स्नोफॉल हो रहा है। यहाँ मौसम ही बढ़िया है, बाकी सब बेकार है। खुद को मतलब खुद को बता तू क्या है हिंदी में। हिंदी में? हाँ हिंदी में एक्सप्लेन कर, इंट्रोडक्शन दे अपना। मेरा नाम मतलब कौन? मैं पढ़ा ही कोई बात नहीं, मैं तुझे सिखा दूंगा फिर। ओके नेक्स्ट टाइम उसको सिखा दूंगा, फिर नेक्स्ट टाइम सिखा दूंगा फिर पूरा बोलेगा। कितना टाइम लगेगा तुझे, मतलब हाउ मच टाइम यू विल टेक? वन वीक ओके। अगले हफ्ते पक्का? पक्का अगले हफ्ते पक्का, ये पूरा हिंदी में खुद को इंट्रोड्यूस करेगा। सो वेट, कैसा लग रहा है? तो चल के अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। बहुत सारे टेस्ट है और बहुत लंबी लाइन लगी थी, पर मेरा सबसे पहला टेस्ट साइकेट्रिक का था। देखता हूँ मैं कितना परसेंट पागल हूँ। आपको क्या लगता है सामने बैठा हुआ डॉक्टर मुझे कितना परसेंट पागल बताएगा, कमेंट में बताओ। जो सारे टेस्ट होने हैं वो सारे टेस्ट का लिस्ट है ये। अगर इसमें सबसे डर और सबसे असलीन कोई लग रहा है वो तो पेरी एनल स्वैब सिंस है। इसी दरवाजे के पीछे वो असलीन जाँच होगा। तुमने कभी सोचा नहीं था कि पेरी एनल स्वैब टेस्ट देना पड़ेगा भाई? कैसे बताऊँ मैं सर क्या हो रहा है, बस सारा भारी समझाने में बस सारा मारा जुड़ा है, बस हो गया यार कैसे कैसे। भाई सारे टेस्ट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट सारे टेस्ट हो चुके हैं, ब्लड टेस्ट, प्री एनल स्वैब ये सब हो चुका है, यूरिन टेस्ट ये सब जो भी टेस्ट होते हो गया। अब लास्ट एक टेस्ट बचा एक्सरे टेस्ट, और ECG भी इवन हो गया। एक्सरे टेस्ट के लिए यार इस बिल्डिंग में जाना पड़ेगा, ये बड़ी सी बिल्डिंग जो दिख रही है यार। हर चीज़ का अलग अलग डिपार्टमेंट है भाई, डिपार्टमेंट ठीक है दौड़ाते हैं साले में क्या बताएं। और सब फालतू का टेस्ट हुआ, कोई चेक भी नहीं करा। हाँ एक ब्लड वाले में सैंपल लिया, यूरिन टेस्ट लिया, बाकी साइकेट्री से कुछ भी नहीं टेस्ट किया भाई। सीधे स्टेप सीधे बस स्टेम मारा, छोड़ दिया जाओ, बस फॉर्मेलिटीज चल रहा है यार, तो पता चल जाता है। बट कोई नहीं, होता है यार, दूसरे कंट्री में रहने का मतलब थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा उनके अकॉर्डिंग, थोड़ा बहुत क्या बहुत करना पड़ रहा है उनके अकॉर्डिंग। ठीक है एक्सरे करा लेते हैं, फिर उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगा। फिर मेरे आज एनाटॉमी की क्लास है, फिर क्लास के लिए निकलेंगे। 1 बजे तक है, अभी तो 11:30 हो रहा है और 1 बजे क्लास है, अभी बहुत टाइम है। हालांकि यहाँ से 8 किलोमीटर दूर भी है। ठीक है अभी कैब करेंगे यार, साला आधा ज़्यादा पैसा तो कैब में ही लग जाता है। मिडिल क्लास अभी तो मर जाए, क्या ही करे भाई।
चलो कोई नहीं, शायद आ गए, यही है। चलो एक्सरे कराते फिर अपडेट करते हैं। तो उसको नहीं है ना। सुनना सुनना, ब्लड टेस्ट में कितना कितना खून लगा, कितना कितना खून लिया? चार चार बोतल भाई, कोई लेता चार बोतल? चार बोतल तेरा कितना है भाई? चार बोतल खून लिया है, बहुत ज़्यादा ले गया, तो इसीलिए भूख लगी है, जम के आना। एक ख़त्म, ये भी निपटाते थे, अब ये तीसरा है। बोकाल दी, बोकाल बहुत भूख लगी भाई, बहुत खून बहुत लिया इन्होंने। रशियन तुमसे बदला लेंगे, खून का बदला लेंगे। हम सब का ख़त्म हो गया, पर इसका भी चल रहा है, दिखा ना। अरे इतना गार्बेज हम छोड़े, मतलब इतना खाने में तो छोड़े हम लोग, कबाड़ी अगर बेचेगा तो उसको 10 रुपये तो मिल ही जाएंगे, है ना? इतना कबाड़ी कितना बचा लो? 10 नहीं है, अच्छा खासा नहीं है, अच्छा खासा भाई, बहुत है। बहुत ज़्यादा भाई, पांच बर्गर खाया, तीन बस, तीन बर्गर, एक सैंडविच और एक बकेट अकेले खाया, एक पूरा बकेट 18 पीस अकेला। दिखा दिखा पेट, दिखा टमी। अर्थर भाई क्या हो, क्या बना रहा है अर्थर? बना क्या रहा है? लौकी के क्या? लौकी का ताज बना रहा है। अच्छा, लौकी का ताज? नहीं नहीं, कॉकरोच का सिर है भाई, कॉकरोच का सिर ऐसे करते हैं, जिप 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 जिप। इधर सर, इधर देखो भाई, हेलो गाइस, तो कैसी लगी वीडियो अभी तक? और यार एनाटॉमी की क्लास की बात से मैं वीडियो नहीं शूट कर पाया क्योंकि मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यार, करो यार सब्सक्राइब, बढ़ाओ भाई के। वीडियो अभी ख़त्म करता हूँ, कल सुबह अपलोड भी करना है और रात हो गया काफ़ी, तो इंजॉय करो यार, सब्सक्राइब करो यार।